हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम बात करने वाले BTT और ट्रॉन के बारे में। तो एक्चुअल में BTT एंड ट्रॉन कुछ ऐसे कॉइन्स हैं, ये दो ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी भी पेंडिंग है, यानी कि इनमें हमें एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। बहुत सारे कॉइन्स हमने ऐसे देख लिए, डिस्कस भी कर लिए, जिनकी ऑलरेडी प्राइस में बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ये ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें अभी एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है जो कि बहुत जल्द आने वाला है। जैसे यहाँ पे बुल मार्केट शुरू हुई है तो यहाँ पे हमें ट्रॉन कॉइन एंड BTT में बहुत बड़ा एक पंप देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि ट्रॉन की वजह से, जस्टिन सन की वजह से हमें फ्री में यहाँ पे कॉइन्स भी मिल रहे हैं। इसको आप चाहे स्टेकिंग मान लो, चाहिए फ्री में कॉइन्स मान लो, बिल्कुल ही फ्री मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास भी ट्रॉन्स हैं तो आपको फॉर श्योर ही मिलने वाले हैं। लेकिन आपके पास कितने ट्रॉन्स हैं एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ट्रॉन आपके कितने हैं उसके बेसिस पर ही आपको ये कॉइन्स मिलने वाले हैं। जो हम बात करने वाले म्यूजिक कॉइन के बारे में, म्यूजिक अगर आप नहीं जानते तो ये गाला का खुद का कॉइन है, यानी कि गाला आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक गेमिंग प्रोजेक्ट है जिसका मेटावर्स प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर गेम्स बिल्ड करी जाती हैं। तो गाला ने अपना एक म्यूजिक कॉइन लॉन्च किया और वो आपको कैसे फ्री में मिलने वाला है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ गाला के साथ साथ एक और कॉइन आपको मिलने वाला है। तो ये सब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल स्ट्रीट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। एंड ऑल्सो अबाउट पीथ नेटवर्क, इवन म्यूजिक कॉइन जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं वहाँ पे डाल चुका हूँ, लेकिन बहुत लोगों को शायद इस चीज़ का पता नहीं चला। तो मैंने सोचा कि शायद मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा तो आपको और भी डीपली समझ आ जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रॉन है, ट्रॉन नेटवर्क जस्टिन सन के अंडर ही चल रहा है। हालांकि उनका जो ज़्यादा फोकस है वो हावी ग्लोबल, जो कि HTX के नाम से अभी होगी है, उस एक्सचेंज के ऊपर है। उनका जो अभी मेन लिंक है वो HTX एक्सचेंज के साथ है और इसी के साथ है पॉलिनेक्स एक्सचेंज के साथ। तो हमेशा वो ट्रॉन को किसी न किसी तरीके से आगे लेके जाने वाले हैं और वो भी इन्हीं एक्सचेंजेस को यूज़ करके। आज अगर आप देखते हो ट्रॉन की जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप वो 11th है, $9 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। और BTT है 62 पोजीशन पर, 62 इसका रैंक है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, जिसका है $1.1 बिलियन के आसपास इसका ओवरऑल मार्केट कैप है। तो आपको एक यहाँ पे चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसमें इतनी ज़्यादा जीरो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक फॉक आया था, यानी कि जिसको हम हार्ड फॉक या सॉफ्ट फॉक बोल सकते हैं। इससे पहले इसकी 3 जीरो थी, 3 जीरो एक्स्ट्रा तब ऐड करेगी जब BTT का न्यू बनाया गया, एक नया BTT बनाया गया, BTTC के नाम से बनाया गया। तो यहाँ पे क्या कि हमें एक कॉइन के बदले में 1000 कॉइन दिए गए थे, यानी कि अगर आपके पास 1000 BTT पड़े थे तो वो टोटल 1,000,000 हो गए थे। तो इस तरीके से 3 कॉइन्स एक्स्ट्रा मिले थे एक के बदले में। यही कारण है कि यहाँ पे जो जीरोस हैं ये भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे 5 जीरोस आपको दिख रही होंगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम 2 जीरोस और कम होने वाली हैं। और इसके जो मेन रीजन्स है वो भी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रॉन और BTT दोनों इकट्ठे चलने वाले हैं। BTT की मैंने आपको कुछ अपडेट्स पिछले वीडियोस में भी दिए हैं, ट्रॉन की भी अपडेट्स ये कि ट्रॉन का जो 20 मिलियन के आसपास इनका जो नेटवर्क हो चुका है, ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जा रहे हैं। इवन जो BTT है, BitTorrent है, ये भी ट्रॉन के द्वारा अक्वायर किया गया था, एक समय पर इसको बाय कर लिया गया था, लेकिन अभी BitTorrent का खुद का ब्लॉकचेन भी है जिसको हम इंटरऑपरेबिलिटी भी बोलते हैं, यानी कि जिसके ऊपर कई सारे चेन्स इकट्ठे आकर मिलते हैं। और आज के समय में जो TRC20 की ब्लॉकचेन के ऊपर जो सप्लाई है USDT की, सर्कुलेशन है, वो 48.8 बिलियन की है। ऐसा मान लो कि 48 या फिर 49 बिलियन USDT ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर ही हैं। और हमेशा जो किसी की भी प्रेफरेंस रहती है USDT को ट्रांजैक्ट करने के लिए, वो TRC20 को ही चूज़ करता है, क्योंकि क्विक रहता है, फास्ट रहता है, और वैसे भी ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। एंड बहुत ही जल्द ये इन्होंने जो टारगेट बनाया वो टॉप 3 में जाने का टारगेट बनाया हुआ है, और टॉप 10 में तो ये बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन टॉप 3 में मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी कॉम्पिटिशन देने वाला है इथेरियम को, BNB को या फिर सोलाना को। तो इन्होंने अपने 200 मिलियन यूज़र्स बना लिए, और यही एक बड़ी अपडेट थी जिसकी वजह से जो जस्टिन सन है उन्होंने अनाउंस किया कि वो यहाँ पे ट्रॉन का एक एयर ड्रॉप भी देने वाले, जिनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था बेयर मार्केट में। यार ये चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले कि ट्रॉन ब्लॉकचेन कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड उसी के बीच में यहाँ पे BitTorrent है, BitTorrent आपको बता दिया कि ये भी अगेन फाइल शेयरिंग के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, और काफ़ी सारे बाकी भी Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, लेकिन BitTorrent भी उनमें से एक है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है। और इसके साथ इनका इंटीग्रेशन जो हुआ है वो पीथ नेटवर्क हुआ है। पीथ नेटवर्क अभी मार्केट में बिल्कुल नए जैसा ही आया है, या फिर इसकी हाइप अभी बिल्कुल नई बननी शुरू हुई है, जो कि इन्होंने अभी टाई अप किया BitTorrent के साथ, पीथ नेटवर्क और BitTorrent। और यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पीथ नेटवर्क के ऊपर और ट्रॉन को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ट्रॉन्स पड़े हैं, कहीं भी ट्रॉन्स पड़े हैं, वो ट्रॉन वॉलेट में पड़े हैं, किसी और एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं,
तो आप कोशिश करो कि उसको हॉबी एक्सचेंज के ऊपर लेकर आओ। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, एक सॉलिड रीज़न है। तो STX एक्सचेंज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक भी इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो अभी नया अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ अपडेट्स आपके साथ ऐसी शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग्स मिलने वाली है। और मेरी अर्निंग्स ऑलरेडी सामने है, मैं कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट्स डालता रहता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो इस वक्त यह है कि अगर आपके पास रॉन पड़े हैं तो STX के ऊपर एक प्राइम पूल चल रहा है। प्राइम पूल में यहाँ पे म्यूजिक पांडे जा रहे हैं। म्यूजिक है एक गाला जो बड़े प्रोजेक्ट है, गाला का हम जानते हैं कि सबसे बड़ा मेटावर्स प्रोजेक्ट है, उसका उन्होंने कॉइन लॉन्च किया, उसके ऊपर ही बेस्ड है म्यूजिक के नाम से एक प्रोजेक्ट। तो म्यूजिक यहाँ पे ये फ्री में बांट रहे हैं। फ्री यानी कि अगर आप PRX को यहाँ पे स्टेक करते हो, स्टेक करने पर आपको यहाँ पे म्यूजिक कॉइन्स मिल रहे हैं। तो सारे TRX को यहाँ पे लेके आ जाओ, TRX पूल में यहाँ पे डालो। एंड ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत बुरी एक्सचेंज या फिर छोटी मोटी एक्सचेंज के ऊपर पैसा डाल रहे हैं। STX एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और इसके पीछे अभी जस्टिन सन भी काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा और विश्वास हो जाता है ऐसी एक्सचेंज के ऊपर। जैसे कि अगर CZ किसके ऊपर काम करे या फिर जो विटेलिक हैं जो इथेरियम के, अगर वो किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करते तो उसके ऊपर थोड़ा और विश्वास हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे STX के पीछे जस्टिन सन है, तो इसलिए मुझे TRX पूल के ऊपर विश्वास हो गया कि यहाँ पे 51% APY मिल रहा है। तो एनुअल परसेंटेज यील्ड जनरली हमें कितना मिलता है, 2-3% बैंक अकाउंट में मिलता है, यहाँ पे 51% मिल रहे हैं। और जो मिल रहा है वो इसके बदले में म्यूजिक कॉइन मिल रहा है। यहाँ पे टोटल रिवॉर्ड जो दिया गया ये 3 मिलियन म्यूजिक कॉइन्स का दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अपने TRX स्टेक करोगे, स्टेक करके इसके ऊपर म्यूजिक अर्न करोगे। एंड म्यूजिक की अभी बिल्कुल नई शुरुआत हुई है, आने वाले समय में आपको और भी बड़े प्रॉफिट्स इसके ऊपर मिल सकते हैं। जितने कॉइन्स फ्री में इकट्ठे होते हैं उतने कर लीजिए। तो जब भी नया प्रोजेक्ट आता है और अगर आपको फ्री में माइन करके स्टे करके किसी न किसी तरीके से मिल रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग जो आपके कॉइन्स हैं उन्हीं को यूज़ करके किसी न किसी तरीके से मिल रहे हैं, तो इसको आप सम हाउ लेने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं मैं बोलता कि आप इसको बाय करना शुरू कर दो, मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पे आप स्टे करके इसको फ्री में लेना शुरू करो। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, हम बाइनेंस को यूज़ करते हैं। बाइनेंस के ऊपर क्या आता है, वहाँ पे हमारे पास लॉन्च पूल्स आते हैं, बहुत हमने कॉइन्स वहाँ पे भी अर्न किए हैं। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसके ऊपर हम स्टेक कर देते हैं अपने BNBs को, या फिर BUSD को पहले स्टेक करते थे, फिर TUSD या फिर FDUSD, ऐसे कॉइन्स को हमने स्टेक किया, स्टेबल कॉइन्स को स्टेक करके, BNB को स्टेक करके वहाँ पे काफ़ी सारे फ्री कॉइन्स ऑलरेडी अर्न किए। सिमिलरली STX के ऊपर प्राइम पूल रहता है, तो प्राइम पूल के ऊपर आप यहाँ पे अपने TRX को डालें। तो यही हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि जो TRX को ये अब एक बढ़ोतरी दे रहे हैं, यानी कि जस्टिन सन ने अगर STX में काम शुरू किया तो वो TRX को इतनी ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं कि TRX को स्टे करके हमें यहाँ पे म्यूजिक कॉइंट्स मिल रहे हैं। तो एक तो हमें सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। दूसरा हमें जो फायदा मिलने वाला है वो है पीथ नेटवर्क का। तो आपको यहाँ पे मैंने बोला कि बिट टॉरेंट का एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि बिट टॉरेंट का इंटीग्रेशन हुआ पीथ नेटवर्क के साथ। तो पीथ नेटवर्क का भी एक बिल्कुल नए जैसा कॉइन ही है, पीथ के नाम से PYTH, और इसकी अपडेट मैंने आज के दिन ही आपको दी थी, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल के ऊपर डाली थी, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह था कि अभी अगर आप इसको बाय करके रख लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट एसेट है, आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह कि अगर आप इसको बाय कर रहे हैं तो उसको किसी न किसी काम लगा दें। अगर आपके पास कोई भी कॉइन पड़ा है उसको स्टे कर दें, किसी न किसी तरीके से आगे लोन पे दे दें एक्सचेंजेस के ऊपर, बाइनेंस जैसे या फिर STX जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर दें, ताकि उसके ऊपर आपकी कोई ना कोई अर्निंग बनती रहे। तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बताने वाला हूँ कि मोबाइल में आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जिससे आप यहाँ पे पीथ कॉइंट्स को स्टे करते हैं और उसके ऊपर 100% APY मिल रहे हैं। तो TRX स्टे करते हो तो आपको 51% APY मिल रहा है, जिसमें आपको उसके बदले में म्यूजिक कॉइन्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने पीथ कॉइन्स को स्टे करते हैं तो उसके बदले में आपको 100% APY मिल रहा है, जो कि बहुत फास्ट आने वाला है। लेकिन ये 14 दिन का ही है सिर्फ, तो 14 दिन में जितने भी आपके बन जाए तो उतना आप एटलीस्ट इन्जॉय करो, ताकि एक्स्ट्रा कॉइन्स बनने के बाद आप इसको हाई प्राइस पे सेल भी कर पाओ आने वाले समय में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऐप आपने खोल लेनी है, STX ऐप। STX ऐप को खोलने के बाद आपको टॉप पे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें आपको प्राइम पूल का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर ही दिख जाएगा, और यहाँ पे अर्न का ऑप्शन भी है। अर्न में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस ये दिख रहे हैं कि आपने कैसे कैसे स्टे करके अर्न करना है। अर्न में जाके आपने न्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, या आपको न्यू लिस्ट मिलेगा जो सेकेंड रो में दिख रहा है। न्यू लिस्ट के ऊपर यहाँ पे कई सारे कॉइन्स होते हैं, या फिर जो नए कॉइन्स लिस्ट होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा APY मिलता है, जैसे कि 200% है, 100% दिया गया है प्रिज्मा के ऊपर, शार्प के ऊपर, जो एरिक्स के ऊपर, RPK के ऊपर। लेकिन इनमें से हमने जो सिलेक्ट करना है वो पीथ करना है, PYTH। तो PYTH के ऊपर हमें यहाँ पे स्टेकिंग करनी है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और BTT के साथ लिंक्ड है इसलिए। और ये पीथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 100% APY मिलती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि APY जो है वो बहुत कम मिलती है, और वहाँ म्यूजिक के ऊपर तो सिर्फ 51% मिल रही है ट्रॉन स्टे करके। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी पीथ होंगे वो आपने मैक्स करके यहाँ पे स्टे कर देने। तो मैं यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं बोलता, एक हो, दो हो, जितने भी हो, यहाँ पे स्टे करके आप इसको स्टे करें, यानी कि 14 दिन के अंदर आपके बन जाएंगे।
आपने मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, आपने जितने भी हैं जितने करना चाहे उतने करके यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना है एग्री करके। अब इसके बाद जो प्राइम पूल है, प्राइम पूल के लिए क्या है कि वो भी आपको आन में ही मिल सकता है या फिर आपका जो होम पेज है उसके ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप USDT स्टेक करते हो तो 10% मिलता है, वरना अगर आप होम पेज के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर ये दिख रहा होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे बैनर्स चल रहे होते हैं सबसे ऊपर, तो इनमें से एक यहाँ पे आपको एक प्राइम पूल भी दिखेगा जो कि म्यूज़िक का प्राइम पूल रहने वाला है। तो ये म्यूज़िक का प्राइम पूल है, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एक TRX स्टेक करके और एक और है ARKM, ये दो कॉइन्स हैं, इनको स्टेक करके आप कुछ ना कुछ कॉइन्स अर्न कर सकते हो, लेकिन हमने स्टेक यहाँ पे करने हैं TRX स्टेक करने के लिए। यहाँ पे आपको जो बैनर्स दिख रहे हैं इन्हीं में से एक म्यूज़िक वाला भी है, आप इनको स्लाइड करोगे आगे पीछे करोगे तो आपको यहाँ पे एक ये दिखेगा म्यूज़िक वाला, ये रहा प्राइम पूल जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मिलियन म्यूजिक्स ज्वाइन नाउ। तो ज्वाइन नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है जहाँ पे लिखा हुआ है लॉक TRX, क्योंकि यहाँ पे TRX जितने होंगे वो TRX ही आपने देने हैं, TRX लगाकर आपको यहाँ पे म्यूज़िक मिलने वाले हैं। तो ये ऑप्शन रहा, यहाँ पे आपने अपने TRX को लॉक कर देना है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप इसको कभी भी रिडीम कर सकते हो, रिडीम करोगे डायरेक्टली चला जाएगा आपके स्पॉट वॉलेट में, और ऐसे सिमिलर ही रहता है किसके ऊपर, बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर भी सेम ऑप्शन रहती है। और रिडीम कभी भी करो, लॉक कभी भी करो, जितना आप ट्रॉन स्टेक करना चाहते हो उतना यहाँ पे लॉक करो, उसके ऊपर आपको म्यूज़िक पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और म्यूज़िक पॉइंट आपको बताया कि ये गाला म्यूज़िक है, तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि क्यों आपको यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि म्यूज़िक पॉइंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ेगी, तेज़ी से ऊपर जाने वाली है। तो यही था प्रोसेस, आप फॉलो कीजिए। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया कि जो जस्टिन सन है उनका बहुत बड़ा हाथ है STX में, या फिर उनका बहुत बड़ा हाथ है ट्रॉन को आगे ले जाने में, चाहे वो BTT है चाहे वो पेथ नेटवर्क है। तो धीरे धीरे जो भी इंटीग्रेशंस होती जाएंगी, जो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स ट्रॉन इकोसिस्टम में आते जाएंगे, वो हमेशा टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, नीचे कमेंट करना यस लिख के अगर आपको सच में थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, और इसी के साथ कमेंट ये भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कॉइन प्रोजेक्ट टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ भी हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।